हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो आज से यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज आज से स्टार्ट होगी और इंडिया की ये लास्ट T20 की सीरीज होने वाली है। इसके बाद में इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। तो ये मैच इंडिया के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दोनों ही टीमें जो हैं काफ़ी टक्कर की टीम है और साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड आया ना वो इनका वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, तो आप समझ सकते हो। और इंडिया का साउथ अफ्रीका से ग्रुप स्टेज में मैच भी होगा वर्ल्ड कप में, तो अच्छी प्रिपरेशन का मौका है इंडिया के पास। तो आज के इस मैच की आपको सारी जानकारी दूंगा। जो लास्ट सीरीज हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसके तीनों मैच अपने क्लीन स्वीप रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाकर इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ पर डाली हुई हैं जो टीम्स थी, तीनों मैचेस अपने अल्ट्रा क्लीन स्वीप रहे थे। इस वाली सीरीज में भी अपन यही उम्मीद करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहीं पर मैं फाइनल टीम दूंगा। क्योंकि आपको पता है अभी जो मैं टीम दूंगा वो डेमो टीम रहेगी, लेकिन फाइनल टीम जो होगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली बात, टॉस की रिपोर्ट क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है लास्ट आधे घंटे में पिच रिपोर्ट अपन को एक्सपर्ट के द्वारा पता चल जाती है, और उसके अलावा कौन सी टीम चेस कर रही है ये भी अपन को पता चल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन को टेलीग्राम चैनल पे ही मैं आपको बता पाऊंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर मैं 6 ग्रैंड लीग की टीम भी देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। बात करेंगे मैच के बारे में, 7 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में ये मैच होगा। और पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो ये जो विकेट है बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छा है, बॉलर्स को भी यहाँ पर मदद है, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स होंगे ना उनको यहाँ पर मदद मिलती है। काफ़ी खूबसूरत है स्टेडियम है, आप देखना, बहुत अच्छा ग्राउंड है। एवरेज स्कोर 160 से 180 बनता है। इन दोनों टीमों के बीच में 19 मैचेस कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से 11 जीते हैं इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 8 मैच जीते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की टीम का पलड़ा भारी रहा है। अब देखो, पहले बात करेंगे अपन इंडिया की टीम की, तो इंडिया की जो टीम है यहाँ से ओपन करेंगे रोहित शर्मा और KL राहुल। रोहित शर्मा की बात करूँ तो हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13 मैच में 362 रन 32 का एवरेज है, बढ़िया रिकॉर्ड है। रीसेंट फॉर्म की बात करूँ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में 11-46 नॉट आउट 17। देखो रोहित शर्मा की ना फॉर्म बहुत तगड़ी है, बस इसके साथ ना दिक्कत एक ही हो रही है भाई, ये पहली बॉल से आते स्लो करना चाह रहे हैं, इस वजह से फ्लॉप हो रहे हैं। अदरवाइज रोहित शर्मा बहुत तगड़ी फॉर्म में हैं, बस ये ना हर बॉल पे शॉट मारने को देख रहे हैं, इसलिए अपना विकेट फेंक के जा रहे हैं एक तरह से अगर बोले तो। आप देख भी सकते हो भले से लाइव में, जो ये 46 वाली जो इनिंग थी इसमें ये संभल कर खेले थे तो काफ़ी बढ़िया खेले थे, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा शॉट्स लगा रहे हैं तो जल्दी आउट हो रहे हैं। KL राहुल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म के साथ, 55-10-1 ये साउथ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का रिकॉर्ड है, और करियर में इनके नाम 64 मैच में 2000 से ज़्यादा रन 38 का एवरेज है, बढ़िया प्लेयर है ये भी। विराट कोहली पहले 2 मैच में फेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आखिरी मैच में 63 किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 मैच में 254 रन 36 का एवरेज है, और कोहली भाई कहीं भी खेले बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सूर्य कुमार यादव तो गजब की फॉर्म में चल ही रहे हैं, पहले में 46 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर 0, फिर 69 और करियर में 31 मैच में 926 रन है। ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 मैच में 81 रन किए, मात्र 13 का एवरेज है। रीसेंट फॉर्म नो बैटिंग 14-17-20 नॉट आउट नो बैटिंग है, उतना कोई खास फॉर्म इनका है नहीं। GL में इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर इंडिया की टीम पहले बैट करती है, क्योंकि अगर ऊपर से 1-2 विकेट जल्दी गिरे तो पंत आपको बड़ी पारी खेल के दे सकता है। दिनेश कार्तिक की बात करूँ हेड टू हेड में 9 मैच में 152 रन 30 का एवरेज है। रीसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में 6-10 नॉट आउट और 1 नॉट आउट है। अक्षर पटेल भाई कमाल की फॉर्म में बंदा चल रहा है, 8 मैच में 35 रन 4 विकेट है, और देख सकते हो रीसेंट फॉर्म 6 रन 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। और अगर इंडिया की टीम पहले बैट करती है, वैसे तो दोनों ही कंडीशन में टीम में तो रखना है, लेकिन अगर इंडिया की टीम पहले बैट करती है तो आप इसको कैप्टन भी रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया खिलाएगी सिर्फ 6 टॉप के बैट्समैन, इनमें से अगर भाई 2-3 भी अगर फेल हुए ना तो अक्षर की बैटिंग आएगी, चाहे भले से इसको 10-12 बॉल ही मिले खेलने को, उसमें 15-20 रन कर गया और 2 विकेट भी ले गया तो आराम से 100 पॉइंट के करीब दे जाएगा। तो अक्षर पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मैच में, और अभी इसकी फॉर्म बहुत बढ़िया है। आप देख लो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच में 8 विकेट थे, और जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं वो भी उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलते हैं। हर्षल पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच में 7 विकेट है, लेकिन जब से इंजरी से आए हैं बहुत रन दे रहे हैं, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट।
यूजी चहल 7 मैच में 7 विकेट, हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। रिसेंट फॉर्म की बात करूं, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, लास्ट वाले मैच में उन्होंने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई थी, भले विकेट एक ही मिला हो। अर्शदीप सिंह 11 मैच में 14 विकेट है और एशिया कप के बाद में ये खेल सकते हैं आज वाला मैच, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, बहुत बढ़िया डेथ का बॉलर है, ध्यान रखना। जसप्रीत बुमराह हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट है, ये तो इनका आईपीएल का परफॉर्मेंस है। इसके बाद में ये दो जो मैच हैं ये इनके मैच हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 1 विकेट 0 विकेट, इन्होंने भी स्ट्रगल किया था। अभी के लिए देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ इंडिया की टीम पहले बैट करेगी, तो मैं यहाँ से रोहित को रख रहा हूँ, यहाँ से मैं विराट कोहली को रखूँगा, सूर्य कुमार यादव को रखूँगा, अक्षर पटेल को रखूँगा, जसप्रीत बुमराह को रखूँगा और यहाँ से यूजी चहल को मैं रखने वाला हूँ। आप चाहो तो जसप्रीत की जगह ना आप हर्षल या फिर अर्शदीप में से किसी को ट्राई कर सकते हो। बेंच पर जो इंडिया के प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स देख लो, तो यहाँ पर शहबाज अहमद हैं जो कि रिप्लेसमेंट के रूप में आए हैं दीपक हुड्डा की। इनके नाम देखो, इन्होंने अब तक डेब्यू किया नहीं है, 56 मैच खेले हैं करियर में, 512 रन है, 39 विकेट है T20 डोमेस्टिक में, और इन्होंने जो लास्ट T20 के मैच खेले थे ना वो IPL में ही खेले थे, 0 विकेट 9 रन 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 12 रन 0 विकेट, और मुझे लगता नहीं इनको टीम खिलाने वाली है। सुरेश अय्यर ये भी रिप्लेसमेंट प्लेयर हैं यहाँ पर, 7 मैच में 115 रन 23 का इनका एवरेज है। रीसेंट फॉर्म 0-10-24-64, ये इनका वेस्ट इंडीज़ वाली T20 जो सीरीज हुई थी ना उसके बाद में नहीं खेले थे ये। उमेश यादव करियर में 8 मैच में 11 विकेट है, रीसेंट फॉर्म 2 विकेट है। रवि अश्विन हेड टू हेड में 6 मैच में 10 विकेट है और आज हो सकता है खेल जाएंगे क्योंकि डिकॉक है सामने, तो हो सकता है कि टीम इनको खिला ले। रिसेंट फॉर्म 10 रन 1 विकेट 0 विकेट 15 रन 1 विकेट 1 विकेट है। दीपक चहर 21 मैच में 26 विकेट, T20 का रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट है। मोहम्मद शमी भाई डाउटफुल हैं और मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे पहला मैच, तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। स्टार्टिंग के ओवर यहाँ से डालेंगे जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, डेथ का ओवर डालेंगे बुमराह, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं भाई कि जो साउथ अफ्रीका का लाइनअप आएगा ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 राइट हैंडेड बैट्समैन होने वाले हैं, ध्यान रखना टॉप 6 में। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और दूसरा जो यहाँ पर अक्षर पटेल है ना वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, तो इन दोनों को विकेट मिलने के चांसेस हाई रहने वाले हैं इस मैच में, थोड़े से ज़्यादा, ध्यान रखना ये बात। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की टीम की, साउथ अफ्रीका की जो टीम है इनकी तरफ से ओपन करने चाहिए मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक और रीजा हैंड्रिक्स। वैसे देखो टेम्बा बहुमा भी ओपन करता है लेकिन भाई रीजा हैंड्रिक्स ना अभी जो इंग्लैंड वाली T20 सीरीज हुई थी ना उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहा था और बहुत तगड़ी फॉर्म में था ओपन करते हुए, तो मेरे हिसाब से हो सकता है टीम इसके साथ ही चली जाए। डिकॉक की बात कर लेते हैं पहले, इंडिया के खिलाफ 6 मैच में 173 रन है, ये अभी यहाँ पर CPL खेल के आ रहा है, 0-64 नॉट आउट 15 नॉट आउट 74 और 0, ठीक ठाक से फॉर्म से आ रहा है। रीजा हैंड्रिक्स 8 मैच में 164 रन 23 का एवरेज, इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड है। रीसेंट फॉर्म ये भी कोई डोमेस्टिक T20 की लीग खेल के आ रहा है जहां पर 42-77-31-55-94 नॉट आउट, बहुत तगड़ी फॉर्म से आ रहा है। टेम्बा बहुमा हेड टू हेड में 6 मैच में 137 रन 34 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म 23-56-9-15। एडन मार्करम की बात करूँ 23 मैच में 722 रन 6 विकेट, इसके नाम है करियर में, बहुत शानदार प्लेयर है ये। रीसेंट फॉर्म 51 1 विकेट है, 56 है 27 है, बढ़िया फॉर्म है इसका भी। डेविड मिल्लर हेड टू हेड में 14 मैच में 195 रन 27 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 29-17 9 बैटिंग 34 है। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करूँ T20 में 6 मैच में 119 रन 0 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैच में डिड नॉट बैट है, रीसेंट फॉर्म 16 रन 0 विकेट 16 रन 0 विकेट 18 रन 18 रन 0 विकेट, इसका जो फॉर्म है ये 100 का है। ड्वेन प्रिटोरियस 7 मैच में 63 रन 5 विकेट है और ये भी CPL खेल के आ रहा है, 27 रन 0 विकेट 9 रन 3 विकेट 0 विकेट 15 रन 2 विकेट, इनकी टीम अगर पहले बॉलिंग करती है ना तो ड्वेन प्रिटोरियस बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। एक रबाडा आएंगे यहाँ से, हेड टू हेड में 8 मैच में 6 विकेट है, रिसेंट फॉर्म थोड़ा ख़राब है, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, लेकिन इंडिया के जितने प्लेयर थे ना उसके खिलाफ इसकी प्लेयर बैटल बहुत बढ़िया है, मतलब इसने सबको आउट किया हुआ है, तो अच्छा प्लेयर है। लुंगी एंगड़ी भाई T20 का बहुत अच्छा बॉलर है, 2 मैच में 4 विकेट इसके नाम है हेड टू हेड में, और रिसेंट फॉर्म आप देख लो T20 का, 5 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। तबरेज शमसी 9 मैच में 5 ही विकेट है हेड टू हेड में और रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट है, इसका ये जो फॉर्म है यह भी CPL का है। एनरिक नोकिए हेड टू हेड में 6 मैच में 4 विकेट है और अभी सिर्फ 2 ही T20 के मैच खेले हैं रिसेंटली, 2 9 बैटिंग और 1 विकेट है। बेंच पर इनकी तरफ से प्लेयर है केशव महाराज, हेड टू हेड में 5 मैच में 4 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट है। रिली रोशो की बात करूँ करियर में 18 मैच में 458 रन 35 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 9-10-5-24-17 उतना अच्छा नहीं है। हेनरिक क्लासन
हेड टू हेड में इनका बढ़िया रिकॉर्ड है, साथ में 210 रन 35 का एवरेज है। अगर ट्रिस्टन स्टब्स को नहीं खिलाती टीम तो हेनरी क्लासन खेलेंगे, और इनके नाम 22-10-61-9-19-6 हैं। व्यान परनेल हेड टू हेड में तो रिकॉर्ड खास नहीं है, लेकिन अभी जो इसने हाल फिलहाल में इंटरनेशनल के मैच खेले हैं ना, आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। 2 विकेट 5 विकेट 0 विकेट 4 विकेट, बहुत बढ़िया फॉर्म से आ रहा है अभी। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे रबाड़ा नोकिए और लुंगी एंगिड़ी, डेथ के ओवर डालेंगे रबाड़ा लुंगी एंगिड़ी और ड्वेन पेटोरियस, मेरे हिसाब से डेथ में आने चाहिए। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर अपन चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करूं तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने क्विंटन डिकॉक को रखा है, यहाँ से मैंने रीजा हैंड्रिक्स को रखा है, रोहित को रखा है, सूर्य कुमार यादव को रखा है और विराट कोहली को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने अक्षर पटेल और एडन मार्करम को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से मैंने बुमराह, लुंगी एंगड़ी, यूजी चहल और कगिसो रबाड़ा को रखा है। कैप्टन मेरे अक्षर पटेल हैं, वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ से विराट कोहली है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी इस मैच की फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और वहीं पर आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम पिच रिपोर्ट भी मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।